मेरा नाक का ऑपरेशन हुआ था, मुझे सांस भी बिल्कुल ठीक से नहीं आता था, सारी रात मुझे ऐसे कभी कभी बैठ के गुजारनी पड़ती थी, ठीक से सांस ही नहीं आता था और ना ही मैं स्मेल फील कर सकती थी किसी किस्म की भी। तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ लेकिन मुझे फिर भी पूरा 100% रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद मैंने मामा ने भी मुझे किया, उसके बाद मैंने खुद ही क्लासेस ली तो मैं 80% ठीक हो। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे बात है। तो इंशाल्लाह बाकी 80% अगर ठीक है तो 20% पे आपको, हाँ आपको बिल्कुल यकीन भी है तो इंशाल्लाह बिल्कुल क्योर करेंगे। तो मेरे कोई बात ही नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ये तो बहुत, ये ऐसी ताकत है जो बहुत बहुत बड़ी बीमारी और बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह की अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी। अच्छा नॉलेज है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने समझा नहीं किया वो जरूर आपके पास आए और इस इलम से माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा पैगाम है। जो लोग परेशानी में है, जो लोग कोई ऐसा बीमारी है उनको आई है तशरीफ लें, अल्लाह ताला आपको शिफा देंगे, शिफा अल्लाह देंगे, हम कोशिश करेंगे जी। हर कदम पे फरिश्तों के लश्कर हो साथ आपके, हर कदम पे हिफाजत आपकी खुदा करे, आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके साथ, सबके साथ, अल्लाह हमारे, अल्लाह हमें हिफ्ज व अमान में रखे और अल्लाह ताला आपको इस दुआ के साथ, अल्लाह आपको और अच्छी जिंदगी और अच्छी शख्सियत और खूबियाँ और अच्छाइयाँ अल्लाह ताला आपको दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ जी। बहुत अच्छे बातें और बहुत ज़बरदस्त एक बात है कि अभी तक मैंने देखा कि बहुत सी उम्रें हैं लोगों की लेकिन अभी तक टेंशन और सर दर्द का पता नहीं, लेकिन इन बच्ची को माशाल्लाह इतने अच्छे पता कि वो दवाई नहीं लेनी चाहिए, वाकई वजह को ढूंढनी चाहिए, मालिज के पास जानी चाहिए आपको कि सर दर्द मुझे या मुसलसल हो रहे हैं या मेरे घर में, मुसाल आपके घर में अगर कोई किसी को सर दर्द होते हैं मुसलसल तो कोई ना कोई वजह है, आप ज़रूर मालिज के पास जाएं और सबसे पहले तशखीस करें वजह क्या है। देखिए समदा हीलिंग एनर्जी में हम वजह को नहीं ढूंढते हैं, समदा हीलिंग एनर्जी एक कुदरती तरीके इलाज है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, अगर ये लेंगे तो अच्छा साबित होते हैं और बेहतरीन साबित होते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और अल्लाह उनको ठीक कर देते हैं, तशखीस भी करते हैं, इलाज भी करते हैं और अल्लाह उनको शफा दे देते हैं। लेकिन आपको अगर हम, अगर आप समदा हीलर नहीं हैं तो आपको चाहिए कि आप किसी भी मालिज के पास जाके एग्ज़ामिनेशन करके तमाम बॉडी के आप वजह क्या है वो आपको खुद बता देंगे। सर दर्द का वजह उनको पता होते हैं, टेंशन का भी पता होते हैं कि मुसलसल टेंशन रहते हैं, लेकिन ये है कि याद रखना है कि टेंशन के लिए दवाई और टेंशन के लिए सर दर्द के लिए दवाई वजह के बग़ैर बिल्कुल भी नहीं लेना। एक तो होता है कि मालिज आपको तजवीज़ करे वो तो आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप ख़ुद अपने तौर पे कुछ कर रहे हैं तो नहीं करनी चाहिए। सिर्फ एक बात है कि एक कुदरती तरीके से जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो वजह खुद आपको पता चल सकता है, अगर नहीं पता तो बस अल्लाह के भरोसे पे आराम से गहरी गहरी सांस लें, गहरी गहरी सांस लें और रात सोने से पहले गहरी गहरी सांस लें और जब आप लेट जाते तो रिलैक्स हो बिल्कुल, बॉडी को ढीला छोड़ दे बिल्कुल, किसी खूबसूरत मंज़र को तसव्वुर करें या अल्लाह के नूर को तसव्वुर करें, जहाँ पर आप किसी खूबसूरत जगह पर बैठे हुए अल्लाह का नूर वहाँ बरस रहे हैं और आप में बड़ी खूबियाँ खुशियाँ आते हैं और बहुत ही पुरसकून होते हैं। इस तरह तसव्वुरात से इंसान को सुकून बहुत मिलते हैं।
और मैंने तजर्बा किया है बहुत से सर दर्द वगैरह इस तरह के थोड़े बहुत अल्लाह की ओर, लेकिन वजह लाजमी और मुसलसल इस कंप्लीट इलाज करना ज़रूरी है इसका। एक कॉल होल्ड पे हैं, फिर आते हैं हम टेंशन और सर दर्द पे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? लाहौर से अली बात कर रहा हूँ जी। अली, सर दर्द और टेंशन का वजह क्या होते हैं? टेंशन हो तो इस वजह अपने आप से कम किया था तो रिलैक्स फील हुआ। क्या हुआ? रिलैक्स फील हुआ था, सुकून हुआ था। सुकून फील हुआ था जी, कहाँ हुआ था? सर ने आज शुरू स्टार्ट जो है ना माथे के करीब काफी दर्द था। अच्छा माशाल्लाह, यानी समदा से आपने इलाज किए, समदा हीलिंग से, बहुत अच्छा। ली ये बताएं कि कभी आपको टेंशन होती है या मुसलसल होती है या कभी कभी हो जाती है, क्या है? टेंशन तो काम नहीं होती है, कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा कम होते हैं जी, तो इसका मतलब है आप बहुत लकी है और आपको बहुत सारी चीज़ें तो सहूलियात मैसर है, टेंशन होता ही नहीं है। हाँ तो अली कहाँ से आप पढ़ रहे हैं? नहीं मैं काम करता हूँ। काम करता है, कितनी उम्र है आपके? 23। बड़ा हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी आप जॉब कर रहे हैं? अपना काम है कि किसी और का? किसी और के पास काम करता हूँ। माशाल्लाह, तो अच्छा आप काम करते हैं, वहाँ पर कभी कभी टेंशन हो जाते हैं बॉस या किसी और? काफी काम के होती है, होती है। आरिजी होते हैं, घर आके खत्म हो जाते हैं ना? होता है, उनके पास नहीं है। माशाल्लाह, अच्छा जब आपके पास समदा है और आपने कितना लेवल किए? अच्छा तो लेवल 4 को आप कभी ऑन किया करो, लेवल 3 को आप कभी उससे कुछ एनर्जाइज करके पी लिया करो, पानी मुसलसल पिया करो। और आजकल देखिए आजकल गर्मियाँ भी हैं, पानी का ज़रूरत पे बहुत ज़्यादा है, जितना पानी पी सकता है पी लो। सर एक बात पूछनी थी आपसे जी, मेरे जो है ना पाँव के बाद जो है ना दर्द होती है, तो मैंने अपने घर वालों को किया, उनको रिलैक्स फील हुआ पर मुझे जो है बहुत कम फील होता है। बच्चे सर दर्द टेंशन तो ठीक हो रहे हैं ना, कुछ और भी आपके ठीक हो रहे होंगे, एनर्जेटिक भी है, पावरफुल भी है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, तो फिर वो भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। एक दिन में तो अली, एक दिन में तो कभी कभी सारी की सारी बीमारियां नहीं होती है, लेकिन हो भी सकता है अल्लाह को, ये अल्लाह के हाथ में और ये पॉसिबल है, लेकिन आप जो है ना मुसलसल करते रहे इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। सही है, अगर दूसरों को आराम मिलता है तो आपको क्यों ना मिले। हाँ अली, हाँ ड्रॉप हो गए जी। अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ और अता फरमाए। समदा हीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है काम करता है और बेहतरीन काम करता है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। और ऐसे क्रोनिक ऐसी बीमारियाँ ठीक होती है जो कि मेडिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती है, कुछ और चीज़ से वो बीमारियाँ जो बाकी तरीके इलाज से नहीं होते अल्लाह ताला क्योर करते हैं, ठीक करते हैं। इसी तरह जो समदा के एडवांस लेवल है, जो बहुत क्रोनिक डिजीज़ है, उन्हीं से अल्लाह ताला निजात देते हैं। तो आगे लेवल्स करना बहुत अच्छे हैं आपके लिए और ज़रूरी भी है। तो नाजरीन हमारी बात हो रहे थे कि टेंशन एंड सर दर्द जो होती है, यानी बेचैनी कहते हैं इसको, टेंशन को बेचैनी कहते हैं औरतों में। एक कॉल होल्ड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मैं शाकिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से शाकिर साहब जी, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, पावरफुल हूँ, एनर्जेटिक हूँ। खुशी हो रही है आपसे बात कर रहा हूँ मैं। पिछले वीक में आप आए थे ना इस्लामाबाद, तो बस तभी आपसे समझा
अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े मेरे पॉजिटिव रिजल्ट उससे पाए हैं जी। क्या पॉजिटिविटी पाई है, कौन सी कैसी? उस दिन तो वैसे तो मैं मेरे सर में बहुत पेन हो रही थी ना, जब मैं बैठा हुआ था हॉल में, तो मैंने संगा वन और टू घर के अप्लाई किया, तो उसी टाइम जो रात में जो है ना थोड़ी देर बाद ठीक हो गया, बिल्कुल ही फ्रेश हो गया, हल्का फुल्का मैंने फील किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। और दूसरी चीज ये बहुत जबरदस्त चीज है, मुझे इससे बिलीव नहीं हो रहा था पहले का, सही सही, जैसे ही मैं अब डेली इसको 10-15 मिनट बैठ के समझा 1-2-3-4 अप्लाई करता हूँ ना अपने ऊपर जी, तो मेरी फीलिंग एकदम से चेंज हो जाती है। और मैं कल रात परसों रात की तरीके में बैठा हुआ था, काफी देर तक बैठा रहा तो मेरे हाथ में काफी सारी वेव जो है ना फील की थी माशाल्लाह। वो आप वो कर्नल है ना? अच्छा अच्छा वो कर्नल भी था, वो पहले बता रहा था कि मैं अभी नाम तो मुझे नहीं पता, वो बता रहा था कि पहले मुझे भी यकीन नहीं था, जब अगला दिन आया था तो बड़ा अच्छा था, वो बहुत खुश था, कहते हैं बड़ी बात है, बहुत फखर करता था जी। जी पहुंच करने के बाद भी मेरे हाथ में बड़ी फीलिंग सी रहती है काफी देर तक ना, वो कुछ समझ नहीं आती कि ऑफ करने के बाद ऐसा क्या होता है, या मैं कंफ्यूज होता हूँ इस बारे में, ऑफ करने ऑफ हुई है समझा या नहीं हुई, ऑफ करने के बाद भी महसूस होते हैं जी, ऑफ करने कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, उससे और अच्छा है, यानी इसे और अच्छा है, ये आपकी एक बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समदा एक इंटेलिजेंट एनर्जी है और ये आपको दिखाता है, आपको ये आपको आपको ये दिखाता है कि अल्लाह ताला की ये ताकतें मौजूद है और मैं आपके वजूद में हूँ, तो इसलिए आपका यकीन बढ़ाते हैं क्योंकि पहले आपको यकीन नहीं था, तो इस वजह से वो आपकी यकीन बढ़ा रहे हैं जी बिल्कुल। जी जी फील ही नहीं हुआ आपको, सही फील नहीं हुआ, तो मैंने फिर घर जाके इसको अप्लाई किया, तो उसको बड़ी फीलिंग हुई, तो फिर नेक्स्ट डे मेरा सर का पेन बिल्कुल खत्म हो गया, नहीं तो ऐसे आधे सर में मेरे दर्द हर 2-3 दिन बाद होता था। हाँ हाँ, इससे अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन के बाद आज तक मुझे नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी बात है। आपने किसी और का भी इलाज किया? नहीं दोस्तों, अभी मेरी छोटी बेटी उसके पेट में दर्द होता था ना, तो हम डॉक्टर से मेडिसिन लाए थे, लेकिन मैंने उसको वैसे ही हील किया ना अपने हाथों से, तो वो भी बेहतर होगी अब, शुक्र है अल्लाह का ना, बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा, बच्चों पे और अच्छा असर करता है, बच्चे तो फूल की तरह मासूम होते हैं, तो उसकी वजह फूलों की तरह होते हैं, उस पर उन पे और ज़्यादा असर करते हैं, और ज़्यादा उन पे होती है, प्लांट्स पे भी होती है, एनिमल्स पे भी करते हैं, तो लोगों को यूज़ करनी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए, इसे काम लेनी चाहिए, और अल्लाह के मखलूक के लिए इनके इनसे, क्योंकि बेसबब इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, जिस तरह मेडिकल वगैरह हम करते ही हैं, उससे इलाज करते हैं, तो इससे लाजमी करनी चाहिए ना, और आपने देख लिया कि डॉक्टर्स भी थे उसमें, बहुत डॉक्टर्स आते हैं। वॉच मी ऑन हैक टीवी इन हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम एवरी मॉर्निंग एट 8 AM एंड रिपीट एट नाइट एट 1 AM। लर्न HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स द वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसिव फार्मूला। Learn world most powerful healing energy Samda. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing and connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zealsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.